नमस्कार, आप सभी का स्वागत है वीवीएल न्यूज पे। आइए देखते हैं पब्लिक की ओपिनियन लिख ली। उससे पहले आइए जानते हैं महाराष्ट्र से एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है लॉकडाउन को लेकर। महाराष्ट्र और मुंबई में लॉकडाउन बढ़ने की आशंका है। लॉकडाउन और पाबंदियों में और कड़ाई करने जा रही है सरकार। आइए देखते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। मुंबई समेत राज्य में कोरोना वायरस की दूसरी लहर खत्म हो रही है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। साथ ही राज्य में कोरोना का म्यूटेशन डेल्टा प्लस वायरस का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। चूंकि इस वायरस से नागरिकों के जीवन को खतरा है, इसलिए राज्य में सख्त प्रतिबंध लगाने का निर्णय बुधवार को राज्य कैबिनेट की बैठक में लिया गया। इस वक्त एक बड़ी खबर, पाबंदियों में ढील देने की 5 स्तरीय व्यवस्था में बदलाव किया जाएगा और ऐसे संकेत हैं कि दुकान के घंटे फिर से कम हो जाएंगे। कोरोना की चेन तोड़ने के लिए पिछले 2.5 महीने से लगाई गई कड़ी पाबंदियों में ढील देने के लिए 20 दिन पहले यह फैसला लिया गया था। आइए देखते हैं पब्लिक की ओपिनियन क्या है इसके ऊपर। DDS TV न्यूज का कहना है कि आम जनता के लिए केंद्र सरकार लोकल ट्रेन नहीं चालू कर पा रही है, तो उद्धव ठाकरे को बेस्ट की और अन्य बसों को हर जगह चलवा देनी चाहिए और ज्यादा संख्या में चलवानी चाहिए कि जनता को तकलीफ ना हो। वहीं डेविल्स गेमर्स का कहना है कि हर जगह आम जनता को ही तकलीफ सहनी होती है, आम इंसान को सरकार चाहती ही नहीं है, जी का जंजाल है इनके लिए हम लोग। फरहान शाह का कहना है कि ट्रेन ही कोरोना है क्या, बाकी में कोरोना नहीं है क्या, इसमें गरीब ही पिस रहा है। विपिन सिंह का कहना है कि लोकल ट्रेन चालू होनी चाहिए, मेरी महाराष्ट्र सरकार से गुजारिश है कि आम जनता खाए बिना और काम बिना मर जाएगी। वहीं शासी श्रीवास्तव का कहना है कि सरकार चोर है, जनता को कोई उम्मीद नहीं, सरकार की चोरी करने की आदत को देख कर जनता भी फर्जी पहचान पत्र से यात्रा कर रही है। रेलवे ने 2000 लोगों को पकड़ा है, सरकार चोर तो जनता भी चोर, जैसा राजा वैसी प्रजा। सुंदर सालियान का कहना है कि आफ्टर लेस कोरोना देन स्टार्ट ओनली लोकल फॉर जनरल पीपल्स। वहीं कमलेश यादव का कहना है कि अभी न्यू सरकार है, समझ नहीं पा रही है कि क्या करना है क्या नहीं, अगली बार ये नहीं आएंगे। राशिद अंसारी का कहना है कि लोग काफी परेशान हैं, अब ट्रेन चालू कर देना चाहिए। वहीं मंसूर परकर का कहना है कि प्राइम मिनिस्टर को पहले बदल दो। वहीं शालिनी गौड़ का कहना है कि नको चालू करो लोकल ट्रेन, त्यानी जास्ती होइल कोरोना। वहीं BMC नामक यूजर्स का कहना है कि लोकल ट्रेन में आम आदमी को ट्रेवल करने को देना चाहिए। वहीं स्टेवन डेलकोस का कहना है कि पब्लिक को अपनी सेफ्टी करना मालूम है, डॉक्टर ने 2 साल पहले ही बोला था कोरोना के साथ ही रहना होगा और जीना होगा, तब तक गवर्नमेंट क्या कर रही थी, लोकल शुड बी स्टार्ट क्विकली। शाबाना सिद्दीकी का कहना है कि आजकल सब न्यूज चैनल डराने का काम कर रहे हैं। आपकी समस्या हम लगातार दिखाते रहेंगे, आप अपनी समस्याओं को कमेंट में कम शब्दों में अच्छे से लिखे, हम सभी की समस्याएं जरूर दिखाएंगे। सभी की समस्या एक साथ दिखाना संभव नहीं है, इसलिए हम लगातार 2 दिन छोड़कर दिखा रहे हैं। आप भी अपनी समस्या कमेंट में जरूर करें, हम आपकी समस्या भी जरूर दिखाएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।